नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने की घोषणा, जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। दिवाली या छठ के बाद हो सकता है बिहार विधानसभा के इन दो सीटों पर उपचुनाव, आगे जाने पूरी खबर। बिहार में मोबाइल ऐप से होगी मिड डे मील की निगरानी, स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग की तैयारी जोरों पर। बिहार में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा, मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए आए 200 से अधिक बच्चे, 120 भर्ती। बिहार में प्रॉपर्टी की ऑटोमेटिक म्यूटेशन प्रक्रिया होगी प्रभावी, डीड के साथ ही तैयार कराना होगा आवेदन। दरभंगा के डीएमसीएच में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की मौत, मचा हड़कंप। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री ने 18 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा किया कि अगले साल से पुरस्कार की राशि दोगुनी करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं यह भी कहा कि बिहार में स्कूली शिक्षकों के खाली पदों को शीघ्र भरे जाएंगे। बिहार में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्ति जारी है। सभी विद्यालयों में बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का नया संवर्ग बनाया गया है। इन पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही बहाल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 18 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राजकीय पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले कैमूर के शिक्षक हरिदास शर्मा और मधुबनी के राजनगर की शिक्षिका चंदना दत्त को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व 50,000 रुपये दिए गए। शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महान शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर शिक्षकों को अपने आचरण और आदर्श से समाज में कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। बिहार में दिवाली छठ के बाद 2 सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आयोग ने पिछले दिनों राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयोग ने यह सलाह भी दी है कि बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होना है। जानकारी के अनुसार राज्य में बाढ़ व कोरोना का संकट खत्म होने और आगामी त्योहारों के बाद तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा के उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसे लेकर चुनाव आयोग ने कई राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह मांगी थी। इसमें बिहार सहित आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल थे। साथ ही दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव के सलाहकार भी शामिल थे। बिहार में स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर विभाग की तैयारी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि अब बिहार में स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मिडिल और प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद मिड डे मील बांटने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और किचन में सफाई तथा बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जाँच के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो स्कूल में काम में बेहतर पाया जाएगा सरकार उसे पुरस्कृत भी करेगी। मिली जानकारी के अनुसार मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी स्कूलों में जाकर या ऐप के माध्यम से निगरानी करेंगे, साथ ही फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को SKMCH के पीकू वार्ड में 85, केजरीवाल अस्पताल में 30 और सदर अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती कर इलाज चल रहा है। हर दिन अलग अलग अस्पतालों के OPD में 200 से अधिक बच्चे वायरल सहित अन्य बीमारी से पीड़ित होकर सरकारी अस्पताल में पहुँच रहे हैं। SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों में जो अभी वायरल बुखार हो रहा है वह सामान्य वायरल इन्फेक्शन नहीं है। बच्चों में अचानक हाई फीवर होकर सर्दी जुखाम हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 4 से 5 दिन की दवा लेने के बाद उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इन बच्चों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। SKMCH के पीकू में बुखार से पीड़ित रोज 10 से 15 बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं। वह संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा 20 से 30% अधिक है। केजरीवाल अस्पताल में 75 से 80, सदर अस्पताल में 50 से 60 और SKMCH में 90 से 100 बीमार बच्चे आ रहे हैं।
बिहार में मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू करने की व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। अभी दाखिल खारिज की रफ्तार धीमी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसमें तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें कातिब डीड के दस्तावेज तैयार करते समय ही ऑटोमेटिक म्यूटेशन का आवेदन फॉर्म भी भरवा ले ताकि प्रत्येक रजिस्ट्री के तुरंत बाद ऑटोमेटिक म्यूटेशन सुनिश्चित किया जा सके। कातिब की जवाबदेही तय करने के बाद विचार चल रही है। लापरवाही बरतने पर कातिब का लाइसेंस निरस्त करने के प्रावधान को प्रस्ताव में शामिल करने का भी विचार चल रहा है। बिहार के दरभंगा जिले के डीएमसीएच में कोरोना संक्रमित दो मरीजों की मौत हो गई। पहली मौत शुक्रवार की रात 10:50 पर कोरोना आईसीयू में हुई है। वहीं दूसरी मौत कोरोना वार्ड में शनिवार की दोपहर 12:10 पर हुई है। इस प्रकार 13 घंटे में दो मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मृतकों में बहेड़ी व मधुबनी के मरीज शामिल है। बहेड़ी निवासी मरीज की उम्र 36 साल थी जबकि मधुबनी मरीज की आयु 88 साल बताई गई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार बुजुर्ग का इलाज 21 अगस्त से चल रहा था जबकि युवक को पिछले 25 अगस्त को भर्ती कराया गया था। विदित हो कि इससे पहले 27 अगस्त को सदर निवासी एक महिला की मौत हुई थी। इसमें एक दिन पहले सुपौल निवासी एक महिला ने दम तोड़ दी थी। इस प्रकार डीएमसीएच में एक पखवाड़ा में 4 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। इसमें से 2 महिला हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार डीएमसीएच में एक भी कोरोना का मरीज भर्ती नहीं है। जानकारी के अनुसार कोरोना वार्ड में 3 व आईसीयू में 1 मरीज इलाजरत थे। इसमें से 2 की मौत हो गई है। 2 को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार के रूबन मेमोरियल अस्पताल ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में आधुनिक सेवाओं से युक्त 190 बेड का रूबन एक्सटेंशन सेंटर को पटना के पाटलिपुत्र स्थित अस्पताल के समीप लोकार्पित किया है। यह जानकारी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ पेशेंट तथा सभी अटेंडेंट के लिए विश्व स्तरीय कैफेटेरिया भी समर्पित किया गया है जहाँ खान पान की सेवाएं दिन रात दी गई है। नए परिसर में कैंसर संबंधित सभी मेडिकल और सर्जरी तथा कीमोथेरेपी की सुविधाएं बहाल है। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर, हेड नेक के बेहतर इलाज की सुविधा दी गई है। डॉक्टर सत्यजीत ने तंबाकू नशा सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को चेताया और कहा है कि इसका परित्याग करें। छपरा के बाद अब राजधानी पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा है। शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। पटना के गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 442 करोड़ की लागत से पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 2.198 किलोमीटर है। सड़क निर्माण विभाग के आदेश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने कारगिल चौक के पास होने वाले शिलान्यास समारोह की पूरी तैयारी की। यहां मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर की नींव रखी। इस समारोह में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना समेत विभाग के अधिकारी और दूसरे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आरा में सड़क व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय मंत्री सह सांसद आरके सिंह ने सड़क और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के चीफ इंजीनियर पीआर मीना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टेक्निकल मेंबर महावीर सिंह, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चीफ जनरल मैनेजर एलपी पंती, बिहार पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भास्कर मिश्रा शामिल हुए। बैठक में आरा में सड़कों के विकास को लेकर अहम प्रस्तावों की समीक्षा हुई जिनमें आरा में रिंग रोड का निर्माण, पटना बक्सर हाईवे, आरा सासाराम हाईवे, आरा मोहनिया हाईवे और दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड के विकास शामिल हैं। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय है। इस वजह से कई इलाकों में बारिश हो सकती है। नेपाल में शुक्रवार को भारी बारिश होने के कारण बिहार में जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। उधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि पटना के विभिन्न इलाकों में अगले 2-3 घंटे में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। नेपाल के पोखरा में शुक्रवार को भारी बारिश होने के कारण बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पोखरा इलाके में शुक्रवार को 280 mm मूसलाधार बारिश हुई है। इससे गंडक का पानी बिहार में एक बार फिर से की आशंका है। इसीलिए जल संसाधन विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण
और पश्चिमी चंपारण जिलों को अधिक सावधानी बरतने और तटबंधों पर निगरानी रखने को आदेश दिया है। नेपाल से पानी गंडक नदी में आने की आशंका है, लेकिन बिहार सरकार ने एहतियातन बागमती नदी और कोसी नदी से जुड़े जिलों को भी सतर्क कर दिया है। गौरतलब हो कि इस नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भी वर्षा काफी हुई है। इन जिलों के डीएम को भी विभाग ने संदेश दिया है, साथ ही अपने इंजीनियरों को कहा है कि वह 24 घंटे जलस्तर पर निगरानी रखे और तटबंधों पर पेट्रोलिंग करते रहे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।